अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिर्ज़ा वैस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा 2023-24 की बेस्ट ट्रेडिंग पेयरिंग्स के। आप देखें कि अगर आप अल्बाइनो रेड आइज़ और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइज़ का पेयर लेते हैं, वो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का। तो मैं चाह रहा हूँ कि न्यू फेंसर की जो है ना, वो लो मतलब कम कॉस्ट में जो है ना, वो उनको अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो उसमें ये है कि देखें, अल्बाइनो रेड आइज़ और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइज़ जो है ना, कॉस्ट करता है तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार रुपये का। अगर आप ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो के दोनों बर्ड लेते हैं ना, तो वो आपको मिल जाते हैं तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार रुपये का पेयर। उसमें से ये है कि आपको अल्बाइनो रेड आइज़ अगर आ जाता है, वो आपका 8 से 10 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है। तो न्यू फेंसर को चाहिए कि वो ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो के बर्ड लेके उनको पेयर अप करें, उनसे अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करवा के उनको सेल करें। आइए आपको दिखाते हैं बेस्ट पेयरिंग जो है वो 2023-24 की। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करना है हमने ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो से, तो बाद हमने पेयरिंग लगाई होती है पार ब्लू स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज़। उसमें से हमारे पास बर्ड बच्चे कुछ चिक आ जाते हैं, थोड़ी फेस पे उनके मास्किंग होती है, लेकिन उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसमें से ये है कि जो भी आपके पास ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो, चाहे वो मास्किंग वाली हो, वो आगे आपको अल्बाइनो रेड आइज़ बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर देगी। तो आप अल्बाइनो इंटू ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो का भी पेयर लगा सकते हैं, ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो इंटू ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो का पेयर भी लगा सकते हैं। अगर आप ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो को अल्बाइनो रेड आइज़ के साथ लगाएंगे, तो आपके पास अल्बाइनो रेड आइज़ भी आएंगे और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो भी आएंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो से अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये देखें, ये बॉक्स में हमने एक बर्ड डाला हुआ है ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो। इसके फेस पे थोड़ी मास्किंग है, लेकिन ये अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करेगा, इसका कोई मसला नहीं है। अब इस बॉक्स में देखें, बर्ड है ब्लू पेस्टल इनो। तो ये भी बर्ड जो है ना, अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करने में बेस्ट बर्ड है। तो ये हमारी कुछ पेयरिंग्स हमने लगाई होती हैं पार ब्लू पेस्टल इनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज़। उसमें से ही हमारे पास ब्लू पेस्टल इनो बर्ड आ जाते हैं। ब्लू पेस्टल इनो बर्ड भी हमारे रेड आइज़ बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट बर्ड है। पहले हम आपको बता रहे थे कि ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो जो है ना, अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस कर सकती है। कुछ हमारी पेयरिंग्स होती हैं पार ब्लू स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज़। उसमें से हमारे कुछ अल्बाइनो रेड आइज़ जो होते हैं ना, प्योर फिशरी में होते हैं, उसमें से हमें प्योर अच्छी फिशरी में स्प्लिट इनो बर्ड आ जाते हैं। तो बेसिकली इस बर्ड से भी स्प्लिट जो ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो है, इसमें से भी हम अल्बाइनो रेड आइज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे मास्किंग में बर्ड हो, चाहे मतलब प्योर फिशरी मास्किंग में बर्ड हो। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि वो बर्ड थोड़ा देखने में थोड़ा ज़रा वो लगता है कि नॉर्मल सा, ये बर्ड ज़रा खूबसूरत लगता है। तो आप इसको मतलब कि प्योर फिशरी अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करने के लिए आप ये प्योर फिशरी मास्किंग में बर्ड भी लेके अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप प्योर अल्बाइनो रेड आइज़ प्योर फिशरी में प्रोड्यूस करवाने के लिए आप इनको आपस में भी लगा सकते हैं। मतलब फिशरी स्प्लिट इनो को भी आप अगर लगाते हैं, तो आपके पास आगे जो बर्ड आता है ना अल्बाइनो रेड आइज़, वो आपका प्योर फिशरी में बर्ड होगा। अगर आपके पास एक ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का बर्ड है ना, वो भी आप ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो के साथ लगा सकते हैं। तो इसमें से भी आपको लुटिनो फिशरी रेड आइज़ स्प्लिट ब्लू का बर्ड भी आ सकता है, और अल्बाइनो रेड आइज़ बर्ड भी आ सकता है, वो भी आपका प्योर फिशरी में बर्ड होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो के साथ, वो पहले जो आपको मैंने बर्ड दिखाया था ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो का, उसके फेस पे थोड़ी मास्किंग, अगर वो बर्ड आप ग्रीन फिशर के साथ लगा देते हैं, तो अल्बाइनो रेड आइज़ तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो फिर प्योर फिशरी में नहीं होगा, वो कहने के आपका हाइब्रिड बर्ड हो जाएगा पर्सनाटा में।